मैं समझता हूं कि देश के इतिहास में ये पहली घटना हुई है जब देश के प्रधानमंत्री किसी राज्य को 42,000 करोड़ से ज्यादा के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स समर्पित करने जा रहे हैं और वहां की सरकार का जो जिम्मा था प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, उस दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाई। बहुत विचित्र लगता है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज पंजाब आ रहे थे, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की ओर से रूट की क्लियरेंस दे दी गई, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों ने, शरारती लोगों ने रास्ता रोका और ये प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक ही नहीं, मैं समझता हूं कि इस प्रकार से ये प्रयत्न किया गया कि देश के प्रधानमंत्री को क्षति पहुंचाई जाए। ऐसे में मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं और निंदा करने के साथ साथ जो कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था को संभालने में पंजाब में असफल हुई है, उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। और मैं गृहमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें तुरंत रिपोर्ट तलब करने के पश्चात कड़ी से कड़ी कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी देश के नहीं पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और ऐसे में उनकी सुरक्षा में इस प्रकार से गंभीरता से नहीं लेना और उनको नुकसान पहुंचाने के लिए शारीरिक रूप से जो प्रयत्न जो प्रयास आज की इस घटना के दौरान हुए, मैं समझता हूं कि कांग्रेस को आने वाले समय में इसका जवाब देना मुश्किल होगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही निंदनीय है।